दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोग ज्ञानी जन हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो रिसर्च करते रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए मोबाइल खतरनाक है। और ये बात सत्य है। हमारे देश में हम अक्सर देखते हैं कि दे देते हैं मोबाइल बच्चों को। अगर बच्चे के पास मोबाइल नहीं है तो भी दे दिया, लो चलाओ। बच्चा स्कूल जा रहा है, 5वीं 6वीं में है, तो भी उसको मोबाइल दे देते हैं। कई माँ बाप ऐसे हैं, हालांकि सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ तो मना भी करते हैं लेने से, लेकिन कुछ लोग दे देते हैं, जाओ लो। और वो बच्चा जाके क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। और उसको धीरे धीरे लत लग रही है मोबाइल की, चाहे वो गेम खेल रहा है। गेम खेलते खेलते एक समय ऐसा आता है कि वो मोबाइल में पैसे भी लगाना चालू कर देता है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जो अपने बाप के मोबाइल से गेम खेल रहे थे और उनका पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर फ़ोनपे से गेम में पैसा लगा रहे थे और बहुत सारा पैसा, कई बच्चे हार चुके। और तब जाके कुछ दिनों के बाद उनके माँ बाप को पता चला कि ये तो पैसा कट गया खाते से। और जब वो लोग जाते हैं बैंक में पता करने, तो वो बैंक वाला मैनेजर या बैंक का जो भी कर्मचारी रहते हैं, वो बताते हैं कि आपका बच्चा गेम में पैसा लगाता है और इसकी वजह से पैसे कटे हैं। कई बच्चे 2-4 हज़ार, कई बच्चे तो 20-20, 25-25 हज़ार तक भी कटवा चुके हैं माँ बाप के पैसे। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस हद तक बच्चे के दिमाग में मोबाइल घुस गया है कि वो पैसे भी माँ बाप के चुपके से कटवा दे रहा है। और ये लत बढ़ती जा रही है। अगर एक बार आप दे दिए और फिर 2-3 महीने आप केयर नहीं किए, तो लत बढ़ती जाती है। पहले तो गेम शुरू करता है खेलना, फिर खेलते खेलते गेम में पैसा लगाने लगता है। कुछ लोग तो रील देखते हैं सिर्फ, जो उनको, कुछ लोग कार्टून देखते हैं। कई माँ बाप बोलते हैं कार्टून देख रहा है, कोई गलत बात नहीं, कार्टून खेल रहा है, लेकिन वही धीरे धीरे लत लगेगी। आज कार्टून देखेगा, कल गेम देखेगा, परसों गेम में पैसा लगाएगा, फिर पैसा हार जाएगा। और बाद में एक समय ऐसा आएगा कि जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उसका मन ही नहीं लगेगा, मोबाइल चाहिए उसको। और सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है, मोबाइल ऐसा चीज़ है ना, कि आप थोड़ा सा समय बिताने इस पे आओगे, मान लो अगर 2 रील आप देखने आओगे तो कम से कम 15 रील देख लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि आपने थोड़ा देखा 10-15 सेकंड का, जमा नहीं, फिर स्क्रॉल किया, उसको खींचा ऊपर, फिर आया, थोड़ा अच्छा लगा, फिर दूसरा खींचा। तो आप मोबाइल इस समय एक चीज़ देखने आते हो और आप यहाँ पे 10 चीज़ें देख के जाते हो। और इसी का फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनी उठा रही है, क्योंकि वहाँ पे ऐड दिखा रही है। आपका समय भी ले रही है बड़ी बड़ी कंपनी और आपके जेब से पैसे भी लेके जा रही है। अभी हम देखते हैं ना, रिसर्च करने वाले कहते हैं, अरे GDP घट रही है और गरीब होता जा रहा है और अमीर जो है और अमीर होता जा रहा है। यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम समय भी दे रहे हैं और अपने जेब से पैसे भी दे रहे हैं। आज कल देखता हूँ कि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, बोलते हैं आज गेम में पैसा लगाया था, चार चार टीम बना के लगा दिया। फिर ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं, जो चीज़ हमको नहीं ज़रूरत है वो भी मंगा ले रहे हैं, कभी घड़ी, कभी ये, कभी वो, कभी म्यूज़िक, कभी मोबाइल, मतलब इतना चीज़ हम उस पर देखते हैं कि कोई ना कोई हमको पसंद आता है। और अगर आप एक चीज़ देख लिए कहीं भी जाके, तो जो भी आप प्लेटफार्म खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे या फेसबुक या यूट्यूब, वो नीचे दिखाता रहेगा कि आप ये खोज रहे थे क्या। वही पता कर लेता है कि आपको क्या पसंद है, वो बार बार आपको दिखाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिमाग को पढ़ के और अपनी बात वो लोग मनवा ही लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, बुकिंग कर लेंगे, चलो अच्छा सामान है बुक कर लेता हूँ, फिर आ जाएगा, आपका पैसे देंगे, फिर 2-4 दिन उसको यूज़ करेंगे, फिर कोने फेंक देंगे। तो दोस्तों, इस तरह समय भी जा रहा है आम आदमी का, इंसानों का, बड़ों का, बच्चों का, और जेब से पैसे भी जा रहे हैं।